तुमको लग रहा होगा कि नहीं ये कोई मतलब महल है एंड ऑल पैलेस है, बट ये कम्प्लीटली न्यूली बिल्ट है. मतलब थीम राजा महाराजा टाइप है. हाँ. जो हम लोग कल जाने वाले हैं वो सरप्राइज होने वाला है. दैट इज द प्रॉपर महल. ये बनाया गया है महल. इसकी जरूरत है बनाया है और आई थिंक 20 एकड़ का ट्राइडेंट का होगा. बाकी सब खाली लैंड. वो कौन सा होटल है? लीला. वो लीला का है. अच्छा, वो लीला का लीला पैलेस. Performances happens over here. So now also we are going with the same tradition every evening from 7 p.m. to 7:45. So at that time people who were really close to the king, they used to assemble here for the meetings. People used to sit here. King used to proceed the meetings from the alcove, which you can see in the middle, and to adjoining rooms, which you can see. Queens used to sit there behind the curtains at that time. Now we have converted this area into the bar, which we call Amrit Sagar. And this mosaic glass work, which you can see all over here in green, it all is 277 years old, imported from Belgium. Oh. So right in front of you, this is the first restaurant of the palace named as Neel Kamal. See, the specialty of this restaurant is we serve Indian and Rajasthani cuisine over here. Yeah, actually palace lagta hai. Haan. Wow. क्या रहते थे यार, क्या फील थे. हाँ, दिस इज द लिली पॉन्ड एरिया. इट इज शेप्ड लाइक लिली, दैट इज व्हाई वी कॉल इट लिली पॉन्ड. एंड अ वेरी फेमस मूवी ऑफ जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपस इज आल्सो पार्शियली शॉट हियर. एंड आफ्टर द लिली पॉन्ड वी हैव अ स्कल्पचर गार्डन ओवर हियर वेयर यू विल सी 200 इयर्स ओल्ड स्कल्पचर्स. एंड आफ्टर दैट वी हैव द स्पा एंड स्विमिंग पूल एरिया. सो इफ यू विल वॉक स्ट्रेट इन दिस कॉरिडोर इन द एंड देयर इज द स्पा एंड स्विमिंग. Okay. हम लोग चेक इन कर चुके हैं ताज लेक पैलेस. ये राजा का समर पैलेस हुआ होता था. एंड ये ओरिजिनली वैसा ही है, अभी भी कुछ चेंजेस नहीं है. बहुत ही सुंदर है. ये 277 ईयर्स पुराना है. हाँ. जो महाराणा प्रताप जी थे वो 4-5 पैलेस थे उनके. प्लेजर पैलेस था, एक समर पैलेस था, विंटर पैलेस था, मानसून पैलेस था. तो बहुत सारे पैलेस थे. दिस इज वन ऑफ देम. ये फेवरेट, मतलब बहुत फेवरेट इसीलिए है क्योंकि उदय विलास, जैसे हम लोगों ने लास्ट बार जिसने बोला था, दैट इज मतलब बनाया गया था. ये एक्चुअली उन्होंने बना के गया है 277 ईयर्स पहले. और अभी हम लोग रूम के अंदर देखते हैं. तो पहले मैं आपको बेस्ट पार्ट एक बताता हूँ. हम लोगों ने एक्चुअली इनका रूम 2 दिन के लिए नहीं था, सिंगल डे पे था. तो हम लोगों ने वहाँ पे 1 दिन स्टे प्लान किया क्योंकि वो भी बहुत प्रॉपर्टी अच्छा था. ये बकेट लिस्ट के अंदर था. तो ये वाला प्रॉपर्टी में हम लोगों को 1 BHK कुछ था, मतलब 1 बेडरूम प्लस ऐसा कुछ रेसिडेंस था. हिस्टोरिकल उनका कैटेगरी है, वो हम लोगों को अलॉटेड था. वो हमने बुक किया था क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा था. वो स्टार्टिंग वही था, नॉर्मल वाला मिल नहीं रहा था. हम लोग जब आए उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग आपको अपग्रेड कर दिए हैं. अपग्रेड कहाँ पे किए हैं? ये द सेकेंड मोस्ट कॉस्टलियर मतलब स्वीट है इनका. और जो ये इनसाइड है एक्चुअली महाराजा का मतलब स्वीट है. और सारे चीज़ें ओरिजिनल है, जितना उन्होंने बताया कि नहीं, सारे चीज़ें एज इट इज है. कुछ चीज़ें थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं लेकिन सारे चीज़ें बाकी ओरिजिनल है. उनका कॉस्टिंग बहुत हाई साइड में है क्योंकि डेफिनेटली रूम्स कम हैं और जो आते हैं मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं. तो अच्छा ही है, फॉरेन का पैसा हमारे पास आता है और अच्छा खासा आता है और हम लोग कहीं तो लूट रहे हैं उनको.
यहाँ पे आते हैं तो कॉस्टली साइड में है, तो एग्जैक्ट रूम का मुझे पता नहीं है, हम लोग तो आई थिंक कुछ बुक किए थे होंगे, आई थिंक 1 लाख समथिंग कुछ था वहाँ पे, और ये अप टू 7-8-9 लाख पर नाइट तक भी जाता है। ये फ्लावर पेटल्स के साथ एक छोटा सा रूम है फॉर द लगेज एंड एवरीथिंग। सिल्वर का स्टैचू एक है। पुराने होटल में ये था आई थिंक, घोड़ा था। एंड दिस बेड एंड ऑल ओरिजिनल जितने उन्होंने हमको बताया, कुछ चीजें उन लोग एसी एंड ऑल के लिए प्रोविजन बनाए, ये इनका समर पैलेस था। हाँ, इंटीरियर एंड ऑल सब कुछ वैसा ही है। क्विक टूर, ओके, बाथटब अभी हम देख लेते हैं क्या व्यू है, उसके बाद ये है हमारा व्यू लेक पुचोला अगेन। तो उस साइड में अगर देखेंगे ये है लीला, राइट? हाँ, ये लीला है। हाँ। और आपको मे बी यहाँ पे दिखने रहा होगा टॉप पे उनका मानसून पैलेस है, पूरा टॉप पे। हाँ, जिसको हम विजिट नहीं कर पाए, सोच रहे हैं। हाँ, सिटी पैलेस हम लोग अभी सोच रहे हैं। हाँ। कवर हो जाए एंड दैट्स इट, उसके बाद दिखाते हैं आपको इनकी क्या क्या एक्टिविटी है। क्विकली हमने प्लान किया कि हम जो पैलेस है सिटी पैलेस उदयपुर का, वो सेकेंड बिगेस्ट है पैलेस है इंडिया का, फर्स्ट वाला है मैसूर पैलेस जो देख चुके हैं, तो दिस इज सेकेंड। और ये भी बहुत सुंदर है, हमने सुना है बहुत सारी चीज़ें, राजा का महल एंड देन रानी का, क्वीन का सेपरेट सेक्शन, तो ये हम देखेंगे। ये सारे ओरिजिनल क्योंकि ये पैलेस के पास है ना, सब ओरिजिनल। ये पब्लिक कोर्टयार्ड है, नीचे दीवान आम, इस कोर्टयार्ड को हम माणक चौक बोलते हैं। इस कोर्टयार्ड में राजा का दरबार था, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक फेस्टिवल हुआ। नीचे पैलेस का सबसे खूबसूरत कोर्टयार्ड है दीवान खास, ये बालकनी राजा के लिए यूज में होती थी, जब नीचे डांसर घूमर डांस परफॉर्म करते थे तो राजा यहाँ से बैठते थे, दिखते थे। व्हील चेयर उनका पलंग है, पुराना कार्पेट थी जो कश्मीर के आर्टिस्ट में है। सिक्योरिटी में रहते हैं। ये पूरा शादी का मंडप है। हाँ, और ये अभी ऐसे ही रह गया है। आप अंदर जाके देखिए चांदी का कलेक्शन, यहाँ से जाइए ऐसे घूमते उधर। ठीक है, पैलेस सिटी पैलेस देखा, तो राजा के बारे में सब कुछ था वहाँ पे, राजा एंड रानी, एंड अभी भी वहाँ पे रहते हैं उनके एक्सटेंडेड फैमिली जो है, वो अभी भी रहते हैं वहाँ पे। अभी वापस होटल में थोड़ा सा हमको देखना था, हमने होटल एक्सप्लोर नहीं किया था। सेक्शन है यहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे कहीं राजा बैठते थे, राइट? एंड यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होता था। ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये एरिया ना इसको लिली पॉन्ड बोलते हैं। हाँ, कबूतरों के मजे है। ये एक और रेस्टोरेंट है और एक फिर रूफ टॉप है, यूरोपियन है। तो 6 o'clock से इनका एक बोट राइड है, जो ये जो पिचोला लेक है उसका एक राउंड होगा, एंड परिजक मंदिर उसका नाम मंदिर है बट वो रेस्टोरेंट है। लड़ रहे हैं, कोई एक तेरे है, तू है। क्या है इनका, डर भी नहीं रहे नहीं। ये पक्का हस्बैंड वाइफ है, नहीं? हाँ, वही लग रहा है। ये बाकी कबूतरों को कोई लेना देना नहीं है, नहीं लड़ने दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है, ये पक्का लड़ाई है ना, कुछ और है? तो खा लिया है उसका, उसकी मुंडी बचा रहे। वो फिर लड़ेंगे। अरे रे, ये कोई दूसरा साइड का है, मेरे को लग रहा है इसका मुंडी में मार दिया। ये वाला कबूतर लड़ाकू है, नहीं हो गया इनका। तो हम लोग बोट राइड के लिए आ गए, रेडी है, जस्ट 2-3 मिनट्स में निकल जाएंगे। एंड ये है
ऐसे कुछ दिखाई देता है। ये आइलैंड है, ये समर पैलेस के लिए बनाए थे। हाँ। और उनका एक्चुअल पैलेस यहाँ से दिख रहा है, जो हम लोग सुबह गए थे ना। हाँ। ये सामने दिख रहा है और ये 3 किलोमीटर लॉन्ग है, 3-4 किलोमीटर है, इतना बड़ा एरिया है। ऊपर से सामने दिख रहा है और एक होटल है ताज का, ये वाला फतेह। हाँ, काफी लोग आ चुके हैं, काफी लोग, काफी फॉरेनर्स हैं। हाँ। खाली फॉरेनर्स है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जो जिसको भी पूछो जयपुर राजस्थान। हाँ। ये देख रहा हूँ आधा से ज्यादा फॉरेनर्स है। हाँ। नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। जग मंदिर, एक तो मंदिर जैसे रखा हुआ है ना, मतलब मंदिर नहीं है, रेस्टोरेंट है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता रहता है। बोट आ चुकी है पर लोग नहीं आए। तो अभी हम लोग जग मंदिर ये पैलेस में पहुँचे और जस्ट अभी सनसेट हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल था, पूरा ऑरेंज कलर का, बहुत ही अच्छा सनसेट था। तो ये इनका गार्डन एरिया है और साइड में बैंकेट हॉल है, आई थिंक द मीरा थंडर ने वहाँ पे शादी किया था। पूरी ऑरेंज दिख रही हो तुम सनसेट में।